नमस्कार दोस्तों, मैं नीरजा कुरेरिया नीरजा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम सीखते हैं कटहल की सब्जी बनाना। मगर इस कटहल की सब्जी में एक ट्विस्ट है। हम जो अपना मसाला बनाएंगे उसमें दही का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप 1 किलो कटहल ले लीजिए और उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए छील के। वैसे तो आजकल दुकान वाले ही काट के दे देते हैं और मॉल वगैरह में तो पैक मिलते हैं। तो आप इस तरह से टुकड़े काट लीजिए और इनको अच्छे से धो लीजिए। काटने से पहले ध्यान रखिए कि हाथ में तेल जरूर लगा लीजिए कटहल छूने के पहले, नहीं तो उसका वो जो चिपचिपा सा पदार्थ कुछ निकलता है तो वो हाथों में चिपकता है। अब इस कटहल को आप एक कुकर में बंद डाल दीजिए और करीब आधा गिलास से ज्यादा पानी इसमें डाल दीजिए और इसे पकने के लिए गैस पे रख दीजिए। एक सीटी भी नहीं आएगी और हमारा कटहल पक के तैयार हो जाएगा। सीटी आने को हो और आप गैस बंद कर दीजिए और इसको आप एक छलनी में डाल दीजिए ताकि पानी अलग हो जाए। और जब ये कटहल ठंडे हो जाए तो इस तरह से हाथों से दबा के इनके अंदर जो भी पानी हो वो निकाल दीजिए। इस तरह से आप दबा दबा के कटहल के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा या पानी होगा उसको इस तरह से दबा के निकाल दीजिए। ये हमारे सारे कटहल के टुकड़े हमने निचोड़ लिए हैं और पानी अलग कर दिया, इसे हम फेंक देंगे। अब एक कढ़ाई में तेल को गरम कीजिए, तेल अच्छा गरम कर लीजिए और कटहल के टुकड़ों को डीप फ्राई कर लीजिए। जो हमने बॉईल करके निचोड़े हैं उन्हीं टुकड़ों को हमें तलना है और इन्हें हमें अच्छा गुलाबी सेंकना है। बहुत ज़्यादा इनको ड्राई मत करिए, थोड़ा सा इनमें मॉइस्चर रहने दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप तल देंगे धीमी आँच में तो बहुत कड़े बनेगी ये सब्जी। इसलिए हल्का सा इनमें गुलाबीपन आए और बस इनको निकाल लीजिए। इस तरह से हम अपने सारे कटहल के टुकड़ों को तल लेंगे। ये हमारे सारे कटहल के टुकड़े तल गए हैं। अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं, प्याज का मसाला। इसके लिए हम तैयार करेंगे तो हम इसके लिए लेंगे 2 बड़ी प्याज। उसको हमने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है और मिक्सी में हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। कुछ लहसुन की कलियां डाल लीजिए और 1 चम्मच जीरा डाल लीजिए। इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कीजिए। अब एक कढ़ाई में हमने जो कटहल तले थे जो तेल बचा था वही तेल हम यूज करेंगे। तो 5-6 चम्मच करीब आप इसमें तेल डाल लीजिए और जीरा राई का तड़का लगाकर प्याज का पेस्ट डाल दीजिए। प्याज को अच्छे से भून लीजिए, धीमी आंच पे करके हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज जले ना इसका ध्यान रखिए। चलिए जब तक प्याज हमारी भून रही है धीमी आंच पे तब तक हम टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ 5-6 टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट तैयार किया है। ये हमारे प्याज का मसाला भी भूंज के तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने मसाले डाल देते हैं। हमने सबसे पहले हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है, धनिया डाली है और इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज में। हम इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला भी डालेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले जब भुन जाएंगे तब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट अच्छे से भूंज लीजिए ताकि टमाटरों का कच्चापन चला जाए और अच्छे से पक जाए टमाटर। हमारे सारे मसाले जो सूखे थे वो भी टमाटर का पेस्ट डालने से सारे गीले हो गए और सब अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। अब इन्हें थोड़ी देर पकाइए और अब हम इसमें 1/2 कटोरी दही डालेंगे। दही को डालते समय हमें आंच बिल्कुल धीमी कर देना है और धीमी आंच में ही दही को पकाना है। जब तक बॉईल नहीं आ जाता है तब तक हम इसको चम्मच से चलाते रहेंगे। अब बॉईल आ गया है, हम इसमें नमक डाल देंगे
और अच्छे से इसको मिला लेंगे। और अब हमने जो कटहल के टुकड़े तल कर रखे थे उनको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ग्रेवी इस तरह से थोड़ी सी गीली ही रहने दीजिएगा, तभी आप कटहल को डाल दीजिए। ज्यादा इसको दही डालने के बाद सुखाना नहीं है, क्योंकि जो हमारे कटहल हैं वो तल तो चुके हैं, तलने से पक तो गए हैं, मगर इनमें अभी मसालों का स्वाद नहीं आया है। तो मसालों का स्वाद तब आएगा जब ये इनके साथ में भुंजेंगे। इसलिए हमको थोड़ी सी ग्रेवी को गीला रखना है और कटहल को उसमें अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि मसाले और कटहल अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और अब इसको हम धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। और धीमी आंच में इसको पकने दीजिए आप। पंद्रह मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसको देखेंगे। ये देखिए मसाले और कटहल अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं और हमारी सब्जी भी काफी सूख गई है। बस इससे ज्यादा हमको सब्जी को नहीं सुखाना है, नहीं तो हमारा कटहल एकदम रबर जैसा हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। बस अब इसको आप प्लेटिंग कीजिए, थोड़ी देर इस तरह से खुला रख के बिना ढक्कन के थोड़ा सा पकाइए। और बस अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह से कटहल की सब्जी आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको सूखी सब्जी पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन को जरूर दबाइए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।